चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। गुण और दोष दो चीजें हैं क्या? गुण और दोष। आप गुण को गुण और दोष को दोष मानते हो क्या? नहीं, ऐसे ऐसे ना मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपसे पूछ लो, चलो कौन से दोष को आप गुण मानते हो? दोष और गुणों की पहचान है या नहीं? दोष क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं, क्या इस बात का ज्ञान है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोषों को दोष नहीं जानोगे तो छोड़ोगे कैसे, और गुण को गुण नहीं जानोगे तो पकड़ोगे कैसे, ग्रहण कैसे करोगे? इसीलिए गुण और दोषों की पहचान करना जरूरी है, है ना? संसार में आजकल तो दोषों को गुण गिना जा रहा है, तो क्या वो गुण हो जाएंगे? दोषों को गुण गिना जा रहा है, दोषों को अच्छा माना जा रहा है, दोषों को फैशन माना जा रहा है, तो क्या वो अच्छे हो जाएंगे? अरे बोलिए ना, कोई कहे भाई साहब ये घोड़ा नहीं है, ये तो कुत्ता है, तो उसके कहने से वो घोड़ा कुत्ता बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। जो है सो है, मानो अथवा मत मानो, है ना? तुम कहो कि हमारे अध्यक्ष ये नहीं है, लेकिन यदि वो पोस्ट पे है तो मानना पड़ेगा कि ये अध्यक्ष हैं। तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही गुण और दोष में हैं। अब शराब पीना गुण है या दोष है? अरे बोलिए ना, दोष है। फाइनल, क्या दोष है, क्या उसमें बुराई है? शराब पीने में बुराई क्या है, पहले पहचानो तो सही। जब तक उसकी बुराइयां नहीं समझ में आएंगी तो हम दोष जानेंगे कैसे कि ये दोष है? तो शराब पीना बुरा है या अच्छा है, ये तो तुम कह रहे हो। तुम नहीं पीते हो ना, इसलिए तुम कह रहे हो। जो पीता है उससे पूछो, उसको तो ऐसा लगता बस मिल जाए, कहाँ से मिल जाए। दिन में एक बार तो वो पीता ही पीता है, और कोई दूसरी बार यदि पकड़ा दे तो मना भी नहीं करेगा, उसके लिए तो वो अच्छा है। लेकिन वो कितना भी अच्छा कह ले, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता, दोष तो दोष ही रहेगा। क्या दोष है भाई? एक बूंद शराब में इतने जीव हैं, त्रस जीव, कि यदि वो कबूतर बन के उड़ें तो तीनों लोक भर जाए। इतने जीव हैं एक बूंद शराब में, और एक गिलास शराब पी पता नहीं कितने जीवों को ख़त्म कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि वो शहद के लिए कि सात गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। क्या? सात गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। तो दोष है, लेकिन तुम नहीं मान रहे, तो क्या दोष गुण हो जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं होने वाला है। इसीलिए इस छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिख दी है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को तजिए कैसे छोड़ोगे, और गहिए गुणों को कैसे ग्रहण करोगे। इसलिए गुण और दोषों की पहचान करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, सोना गुण है कि दोष है? नींद लेना, स्लिप वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लिप वाला सोना। हमारे देश में ये बड़ी अच्छी बात है कि स्लिप सोने को भी सोना कहते हैं, और जो गोल्ड है उसे भी सोना कहते हैं। यानी उस गोल्ड को आदमी इतना प्यार करता है जितनी अपनी नींद को तो खो सकता है, मगर गोल्ड को नहीं खो सकता है, इसलिए उसको भी सोना कहा जाता है।
पहली बात। और दूसरी बात, जैसे नींद में इंसान अपने आप को भूल जाता है तो सो गया, और जैसे गोल्ड मिला तो अपनी आत्मा को भूल गया तो सो गया। अपनी आत्मा को दोनों में भूल गया, स्लीप सो रहा है तो भी भूल गया, और गोल्ड मिला तो गोल्ड को याद कर रहा है, यानी आत्मा की तरफ से सो गया। तो इसलिए उसको सोना कहा जाता है ना। तो नींद लेना, सोना दोष है या गुण है? मैं ये नहीं पूछ रही कि इसे छोड़ दो, ये नहीं कह रही कि छोड़ दो आप, लेकिन दोष है या गुण है ये पहचान कर लो। केवल पहचानने के लिए कह रही हूं, अभी मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं। भोजन करना दोष है या गुण है? भगवान के, भगवान जो हैं 18 दोषों से रहित होते हैं। क्या? भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। वो 18 दोष कौन से हैं बताइए, आपको पता कि नहीं पता? आप लोगों ने चंद्र प्रभु विधान किया है? किस किस ने किया है पंडित जी, बताओ 18 दोष। हाँ, रत्न शापकाचार पढ़ा है? पढ़ा है? छुत पिपासा जरा तंक है जन्मांतक भयस मया ना राग द्वेष मोहश्चा यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। छुत यानी छुदा, छुदा दोष है, भूख दोष है। ये कब तक लगती है? जब तक असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। यदि असाता वेदनीय कर्म का उदय ना हो तो भूख ना लगे। और रुच रुच के भोजन करते हैं, ये मोहिनी के उदय में करते हैं, यानी भूख मेरा स्वभाव नहीं है। क्या कहा? भूख मेरा स्वभाव नहीं है, ये हमने शरीर ग्रहण किया है, कर्मों के साथ रहते हैं, इसलिए भूख लगती है और इस जीवन को चलाने के लिए खाना पड़ता है। अब ये भूख नरकों में लगती है कि नहीं लगती है? अरे बोलिए ना, नरकों में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि तीनों लोकों में जितना, इतनी भूख लगती है कि यदि तीनों लोकों का अनाज एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और एक नारकी को खिलाया जाए तो भी उसकी भूख में वो अनाज कम पड़ जाएगा, इतनी भूख लगती है, मगर खाने को एक दाना भी नहीं मिलता है। तो क्या नारकी खाने को ना मिले तो मर जाता है? चिंतन का विषय है, खोजने का विषय है। भाई आपको भोजन ना मिले, है ना? अभी जब वो केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो कुछ लोग 4 दिन में ही बिना खाए मर गए थे, केवल 4 दिन में, 4 दिन में मृत्यु होनी वहां शुरू हो गई थी। जब उन्हें, मतलब कुछ लोग इस साइड थे और कुछ लोग उस साइड थे, उस साइड में कुछ था नहीं, ना दुकान थी, ना पानी था, ना खाने को था, और बीच में नदी थी। अब वो इस साइड में आ नहीं सकते, उस साइड में खाना पानी है नहीं है, तो 4 दिन में बिना खाए लोग मरना शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ 10-10 उपास निर्जल हो जाते हैं, 20-20 उपास निर्जल हो जाते हैं, 32-32 उपवास, 48-48 उपवास, यानी कैसे कर लेते हैं? तो इंसान दिमाग से ज्यादा खाता है, मन से कम खाता है। दिमाग को भोजन ज्यादा चाहिए, मन को भोजन ज्यादा चाहिए, पेट को भोजन कम चाहिए। बोलिए हाँ या ना। नरकों में नहीं मरता है, क्यों नहीं मरता है? क्योंकि नरकों में और स्वर्गों में वैक्रियक शरीर है, और यहाँ पर जो है पूरी आयु जीनी पड़ती है। वो चाहे कि मैं मर जाऊं तो भी नहीं मर पाते, और वो लोग हर पल मरना चाहते हैं, वहां जीना नहीं चाहते। ना रता इति नारका, जहां रत, जहां रहना ना चाहे उसका नाम नरक है। कभी कभी जब घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं तो लोग क्या कहते, इसने तो घर को नरक बना दिया। अरे बोलिए ना, ये तो नरक का सैंपल है। क्या है?
बोले इसने तो घर को नरक बना दिया, अब तो इस घर में रहने का मन करता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि इस घर में रहो, लगता है भाग जाओ यहां से। इतनी सी लड़ाई में तुम्हारा मन ऐसा हो रहा है, जबकि उसके अलावा और भी सुख हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, पंखा मिल रही है, लाइट मिल रही है, एसी मिल रहा है, कूलर मिल रहा है, यानी सारे साधन मिल रहे हैं, उसके बाद भी रहने को मन नहीं कर रहा है, तो नरकों में क्या होता होगा, विचार करो आप। ना रता इति नारका, जहाँ एक पल भी रहने का मन ना करे उसका नाम है नरक, और भूख वहाँ खूब लगती है और खाने को एक दाना भी नहीं मिलता है। स्वर्गों में भूख लगती है क्या? स्वर्गों में भूख नहीं लगती, वहां पुण्य का उदय ज्यादा है, वहां पाप का उदय ज्यादा है, वो पुण्य आत्मा है ना, पुण्य आत्मा को भूख कम लगती है। किसको? अरे बोलिए ना, पुण्य आत्मा को भूख कम लगती है और शरीर ज्यादा चलता है। अब आगे और कुछ नहीं कह रही मैं, आगे अपने आप समझ लो। तो स्वर्गों में देवताओं को भूख नहीं लगती, लेकिन उनकी जितनी आयु होती है उतने पक्षवाद, जैसे एक सागर की आयु है तो एक पक्ष यानी 15 दिन, 15 दिन के बाद में उनके गले में अपने आप अमृत झर जाता है, अपने आप अमृत झर जाता है। पुण्यात्मा जीव है, भोजन की खोज नहीं करनी पड़ती, अमृत ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप गले में झर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो भोग भूमि के जीव हैं वो भी पुण्य आत्मा है। कर्म भूमि और भोग भूमि होती ना, आपने नाम तो सुना होगा भोग भूमि। तो भोग भूमि का मतलब जहाँ भोगों की वस्तुएं बिना मेहनत के मिल जाती हैं उसका नाम है भोग भूमि, और जहाँ मेहनत करके ही मिलता है, बिना मेहनत के कुछ ना मिले, उसका नाम है कर्म भूमि। तो आप कौन सी भूमि में रहते हो? अरे बोलिए ना, कर्म भूमि में रहते हो पक्का? तो ये भोग भूमि कहाँ है? हैं, कहाँ पर है? स्वर्ग में है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया करो, थोड़ा ज्ञान कर लो। विदेही क्षेत्र है। अच्छा, बहुत बढ़िया पंडित जी, चतुर्थ आप काल तो बहुत होशियार हो। चतुर्थ काल क्या में बात है, आपने कह दिया विदेही क्षेत्र में भोग भूमि है, और तो बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। मध्य लोक में है माता जी, लेकिन चतुर्थ काल में तो सब भोग भूमि है ही, लेकिन अभी पंचम काल है। चतुर्थ काल में तो भोग भूमि है ही, है ही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अभी और पढ़ने की जरूरत है। पंचम काल, पंचम काल में कर्म भूमि है। अच्छा, पंचम काल में कर्म भूमि है, वाह पंडित जी वाह। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, पहली बात। दूसरी बात, विदेह क्षेत्र हमेशा कर्म भूमि है, वो भोग भूमि कभी नहीं बनती है। और जिस भूमि में हम रह रहे हैं ये षट काल परिवर्तन है, यहाँ 3 काल भोग भूमि के होते हैं और 3 काल कर्म भूमि के होते हैं, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय ये कर्म भोग भूमि है, फिर चतुर्थ पंचम और छठा ये कर्म भूमि है, फिर छठा पंचम और चतुर्थ दोबारा आएगा लौट के ये कर्म भूमि है, फिर तीसरा दूसरा पहला ये भोग भूमि है। आदिनाथ भगवान के जब पंच कल्याणक दिखाए जाते हैं, तो जब आदिनाथ भगवान अपने राजगद्दी में बैठे हैं और लोग आके परेशान हो रहे, महाराज कल्प वृक्षों ने अन्न देना बंद कर दिया, महाराज कल्प वृक्षों ने भोजन देना बंद कर दिया, महाराज कल्प वृक्षों ने मकान देना बंद कर दिया, महाराज कल्प वृक्षों ने वस्त्र देना बंद कर दिए, अब हम भूखे मर जाएंगे, क्या करें? तो फिर भगवान प्रभु आदिनाथ कर्म भूमि का उपदेश देते हैं कि कैसे खेती करना है, है ना? क्या असी मसी कृषि, है ना? विद्या वाणिज्य और शिल्प ये षट कर्म होते हैं, ये षट कर्म होते हैं। असी यानी तलवार चलाना,
मसी यानी स्याही, लिखना पढ़ना सिखाना, कृषि यानी खेती करना, विद्या यानी ज्ञान करना, वाणिज्य यानी व्यापार करना, और शिल्प यानी जो कला आदि है, पत्थर में, लकड़ी में मकान बनाना है, कपड़ा बनाना, ये सब शिल्प में आता है। तो ये शिल्प विद्या, तो ये सारे षटकर्म का उपदेश प्रभु आदिनाथ ने दिया था, तब से यहाँ पर कर्म भूमि की फिर शुरुआत हुई है। तो आप कौन सी भूमि में रहते हो, कौन सा काल चल रहा है? अरे भैया बताओ ना, पंचम काल चल रहा है। अच्छा है कि बुरा है, फिर क्यों रह रहे हो? चलो यहाँ से, कहाँ जाओगे? दूसरे शहर में चले जाएंगे, विदेश क्षेत्र चले जाएंगे? कौन सी गाड़ी जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है वहाँ पर? अरे बोलिए ना, है वहाँ कोई ट्रेन नहीं जाती, वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, वहाँ तो आपको यदि जाने का भाव है तो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप अंदर से भावना करें मुझे विदेश क्षेत्र जाना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो आप मनुष्य अगले जन्म में जो जन्म होगा वो विदेश क्षेत्र में होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि मनुष्य जन्म के समय में सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्यात्व से होता है। मनुष्य का जन्म किससे होता है? मिथ्यात्व से होता है, सम्यक दर्शन छूट जाता है। लेकिन यदि भावना रही, कुछ योग संयोग रहा, तो विदेह क्षेत्र मिल जाएगा और साक्षात प्रभु का समोशरण मिल जाएगा, प्रभु के दर्शन करने को मिल जाएंगे। वहां हमेशा कर्म भूमि रहती है, वो कभी भोग भूमि नहीं बनती है। तो बंधुओं, स्वर्गों में भी भूख लगती है, त्रियंचों को भूख लगती है कि नहीं लगती है? अरे बोलिए ना, लगती है। अच्छा, तो उनको खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं, मिलता है कि नहीं? सबको अपने अपने भाग का मिलता है, बोलिए ना, मिलता है कि नहीं खाने को? चिड़िया को दाना मिलता है ना? जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं, बस उन्हें खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई चलो, यहाँ के बंदरों को तो तुम खिला देते हो, यहाँ की चिड़िया तो तुम्हारे यहाँ का दाना चुन लेती है, लेकिन जंगल में मिलता है कि नहीं खाने को? सबको मिलता है। यानी आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। क्या कहा? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हर जीव के साथ में लगी हुई हैं। बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को हर चीज़ सिखानी पड़ती है, चाहे मुस्कुराना हो, चाहे चलना हो, चाहे बोलना हो, है ना, हर चीज़ सिखानी पड़ती है। लेकिन खाना सिखाना पड़ता कि बेटा मुंह से ही खाया जाता है, नाक से नहीं खाया जाता? पैदा होते ही शुरू हो जाता है, बोलिए हाँ या ना? ये आहार संज्ञा है। क्या है? ना कुत्ते को सिखाना पड़ता है, ना गधे को सिखाना पड़ता है, किसी को नहीं सिखाना पड़ता है, है? और ढूंढ ढूंढ के, अब भाई जैसे आप हैं तो आपको तो कई बार सर्च करना पड़ता कौन सी होटल अच्छी है, कौन सी होटल में क्या मिलता है, कहाँ पिज़्ज़ा मिलता है, कहाँ बर्गर मिलता है, अपने मोबाइल में सर्च करते हो, है ना? ऐसे ये कुत्ते वगैरह भी ढूंढते रहते हैं कहाँ खाने को मिल जाए, सुबह से शाम तक एक ही काम है, हैं? अभी कल जब मैं परिक्रमा में जा रही थी तो कुछ गाय वो कचरे के ढेर में अपना भोजन ढूंढ रही थी। कहाँ? कचरे के ढेर में। अकेले गाय भोजन नहीं ढूंढती है, मनुष्य भी ढूंढता है। ऐसे ऐसे मनुष्य भी हैं जो कचरे में जाकर अपने हिसाब का सामान निकाल लेते हैं। अब भोजन का मतलब अकेले वही रोटी नहीं होती है, भोजन का मतलब है कि उनने कचरे में से अपना सामान निकाला, उसे बेचा और भोजन कर लिया, वो भी तो भोजन ही है ना? तो कहाँ से, कचरे में से भी भोजन ढूंढ लेते हैं लोग। एक पेट एक ऐसी चीज है कि सारे पाप करवा देता है,
सारे पाप करवाते, इसलिए कहा जाता पापी पेट का सवाल है। लेकिन जब पेट भर जाता है तो और ज्यादा पाप करता है। जब तक पेट के लिए कम पाप करता है और पेट भर जाता है और पेट ही भरने के नाम पे फिर और ज्यादा पाप करता है। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं होती हैं। कितनी? चार संज्ञाएं। और ये कहा जाता है इस भोजन के प्रति आसक्ति, इस भूख को जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ती है और जितना घटाओ उतनी घटती है। तुम दिन में भी खाते हो, रात में भी खाते हो, सुबह भी खाते हो, शाम को भी खाते हो, सो के उठ के खाते हो, सोते सोते खाते हो, चलते फिरते खाते हो, उठते बैठते खाते हो, सपनों में खाते हो। ये क्या है? इस आहार संज्ञा को कैसे कम करें? तो उपवास और व्रतों के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त करी जाती है। इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता है। क्यों? जब तक इस जीवन को चलाना है, क्योंकि जो ये शरीर है, हैं, ये शरीर है खलु धर्म साधना, यानी शरीर ही धर्म का साधन है। इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हम सब चीज, कपड़े छोड़ दो काम चल जाएगा, मकान छोड़ दो काम चल जाएगा, लेकिन शरीर के बिना काम नहीं चल सकता है। मुनिराज हैं, सब कुछ छोड़ दिया मगर आहार तो लेना ही है। भले वो एक बार लेते हैं, इतना संयम ले आए, दिन भर नहीं खाते, है ना, एक बार लेते उसमें भी उपवास करते हैं, उसमें भी तरह तरह का त्याग करते। ये सब क्या है? ये भूख पर विजय प्राप्त करने का रास्ता है। तो जो पहला दोष है 18 दोषों में, वो पहला दोष है क्षुधा यानी भूख। ये पहला दोष है और इसको दूर करने का उपाय है त्याग, उपवास और धीरे धीरे इस पर संयम। नहीं तो खाते खाते मर जाओ। जिंदगी तो कुछ लोग होते हैं कि मुंह में, हाथ में ग्रास रहता है, कुछ मुंह में रहता है और चले जाते, खाते खाते मर जाते। अब ऐसा जीव मरेगा तो कहां जाएगा? भाई भगवान के नाम लेने के संस्कार रखो अंदर में, खाने के संस्कारों को कम करो, वरना ये खाना तुम्हें नरक में पहुंचा देगा। ये खाना है, वो खाना है। पहले के समय तो फिर भी इंसान कंट्रोल में था, है ना, घर में 5 बच्चे होते थे, 8 बच्चे होते थे, माँ ने एक साथ एक सी थाली लगा दी, सब चुपचाप खा के चले गए, कोई नहीं कहता था ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। अब तो घर में ऐसा कोहराम मचा रहता है, हैं, एक कहता ये चाहिए मुझे, दूसरा कहता ये नहीं बनाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तीसरा कहेगा मेरे टिफिन में ये रख देना, चौथा कहेगा, बेचारी सारे दिन घर में ही लगी रहती है। और जब घर में गुस्सा आता है खाने में तो फिर होटल में चले जाते, और फिर खा खा के इतने बीमार हो जाते हैं कि फिर छोड़ना पड़ता है। अरे बोलिए ना, है गरीब इसलिए बीमार है कि उसके पास खाने को नहीं है, और अमीर इसलिए बीमार है कि वो ज्यादा खाता है। गरीब मेहनत ज्यादा करता है, खाने को कम मिलता है, अमीर खाता ज्यादा है, मेहनत कम करता है, इसलिए दोनों बीमार हैं। इसलिए दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। संयम क्या रखना? संयम रखना। किस पर संयम रखना? खाने पर संयम रखना। कम से कम इतना तो रखो कि भगवान के दर्शन करेंगे तभी हम कुछ खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? भाई बाहर जा रहे हो उसकी छूट है, बीमारी की छूट है, कोई परेशानी हो उसकी छूट है, मगर जब आप ठीक हो तो उस समय तो ये नियम चल सकता है कि हम भगवान के दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? खाने की बात कर रही हूँ, पीने की नहीं। हाँ पीने की तो देखो, कई बार तुम लोग सोकर उठते हो तो कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, चलो उसकी छूट है, लिक्विड की छूट रख लो, मगर खाने की बात तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। किस किस की हो सकती? हाथ उठाकर बताओ कि भगवान के दर्शन करके खाएंगे। पीने की छूट है, खाने का त्याग है, भगवान के दर्शन करके कुछ खाएंगे। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले, ठीक है, बहुत बढ़िया, दर्शन करके खाएंगे, है ना, छूट दे दी, बीमारी की छूट है,
बाहर की छूट है, परेशानी की छूट है। बाकी यदि आप ठीक हो तो आपको मंदिर जाकर ही कुछ खाना है, पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। क्या? पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। लेकिन आजकल का आदमी पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, जो भगवान को भूल गया और फिर भगवान उसे भूल जाए तो कहता भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, करते कुछ हो नहीं, करना कुछ है नहीं, फिर भगवान से शिकायत करते हो, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, किया क्या है तुमने, किया क्या है। भगवान ना किसी का सुधारते हैं ना किसी का बिगाड़ते हैं, लेकिन हमारी योग्यता है कि हम उनसे कितना ले सकते हैं। देने के लिए तो बहुत कुछ है, दुनिया में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन कौन कितना ले रहा है? जिसकी जितनी योग्यता है वो उतना ले रहा है, भगवान वही है। एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है और एक बच्चे के 99% आते हैं और एक के 33% आते हैं और एक फेल हो जाता है। ऐसा टीचर ने क्या किया? टीचर ने कुछ गड़बड़ किया क्या? टीचर ने कुछ भेदभाव किया क्या कि उसको अच्छा पढ़ा दिया, उसको कम पढ़ाया, उसको ज़्यादा नहीं किया? क्या था फिर ये? जिसकी जितनी योग्यता थी उतना उसने ले लिया। ये परमात्मा वही है, इस परमात्मा से चाहो तो तुम परमात्मा बनने का रास्ता पूछकर परमात्मा बन जाओ, और ना चाहो तो नरक चले जाओ। भगवान को क्या दिक्कत, जाना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारा कर्म है तुम्हें भोगना पड़ेगा, है ना। तो भगवान के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाना है ना। एक बार तो एक बहन जी आई, बोले माता जी हम ना रात को खाते नहीं हैं, है ना, सुनना जरा, हम रात को खाते नहीं हैं मगर लिक्विड की छूट है, तो जो हमारे यहाँ रात में आमरस बनता है ना, आमरस, तो उसमें कुछ कुछ जो कतरे हैं वो रह जाते हैं तो उसे चबाना पड़ता है, तो खाने का दोष तो नहीं आएगा? फिर तो इससे अच्छा रोटी को पीस लो, उसका भी लिक्विड बना लो, सब्जी को भी पीस लो, उसका भी लिक्विड बना लो, काजू किसमें पीस लो, उसका भी लिक्विड बना लो और पी लो, हमारा पीने का तो छूट है, खाने का त्याग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पेय पदार्थ में क्या आ जाएगा? पानी, दूध, जूस, बस, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं आती है। अब पीसने के लिए तो आप कुछ भी पीस पीस के घोल घोल के खा लो। अब वो बोले आम के टुकड़े है ना वो मुंह में आ जाते हैं, आम को खाती नहीं है? हाँ, अनादिकाल के चार संज्ञाओं में पहली संज्ञा का नाम है आहार संज्ञा, और 18 दोषों में पहले दोष का नाम है छुदा, पहले नंबर का दोष है, सबसे पहला दोष है कि हमें खाना पड़ता है। क्यों खाना पड़ता? आप लोग बोर नहीं होते कभी खा करके कि सो के उठते फिर शुरू हो गए फिर ये खाना फिर वो, कभी बोर नहीं होते? अरे बोलिए ना, आपको लगता नहीं हे भगवान कब तक खाना पड़ेगा, हे भगवान खाने के लिए जिए क्या, हे भगवान खाना खाना दिन भर घर में लगा रहता है, दिन भर खाना पड़ता है, ऐसा शरीर मिले कि ना खाएं और आराम से जीवन चल जाए। जिस दिन उपवास होता है उस दिन कितने अच्छा धर्म में मन लगता है। किया आप लोगों ने उपवास? उपवास करके धर्म करना किसी दिन, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा पूछो मत। और जिस दिन पेट में ये पहुंच जाए फिर तो पूरी दिमाग में उठा पटक चलती है। ये जो मटर है ना, मटर गोल गोल होता ना, पेट में जाके बड़ी मटर गस्ती करता है, खूब लुढ़कता है पेट में, खूब गैस बनाता है, गैस बनाता है ना, बोले मटर मत खाना गैस बनती है, खूब मटर गस्ती करता है पेट में जाके। बंधुओं, भोजन पहला दोष, कौन सा दोष? पहला दोष, इसको दोष मानो पहले। जब तक बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक दवाई नहीं खाओगे। दवाई कौन खाएगा जब वो बीमारी को बीमारी मानेगा?
अब तुम कहोगे नहीं भूख कोई बीमारी है क्या, ये तो नॉर्मल चीज है। यदि भूख नॉर्मल होती तो हमारे भगवान को भी खाना चाहिए था। हमारे भगवान तो नहीं खाते, क्यों नहीं खाते हैं? उन्होंने तपस्या से, त्याग से कर्मों का नाश कर दिया। जिन कर्मों के कारण से खाना पड़ता था उन कर्मों का नाश कर दिया तो भूख लगनी बंद हो गई और जो आत्मा की अनंत शक्ति है वो प्रकट हो गई। अब मुझे ये बताओ, भोजन से शक्ति मिलती है क्या? अरे बोलिए ना, भोजन से शक्ति मिलती है क्या? यदि भोजन में शक्ति है तो जो भगोना, जिस भगोने में आप दूध उबालती हो ना, 10 साल हो गए 20 साल, उस भगोने को बहुत ताकतवर हो जाना चाहिए था, हाँ या ना? यदि दूध में ताकत है कि वो ताकत देता है, तो जिस भगोने में तुम दूध उबालती हो वो भगोना घिस गया, कमजोर हो गया, तप तप के घिस घिस के कमजोर हो गया, रोज मांजना पड़ता है, घिस जाता है, और फिर भी उस भगोने में ताकत नहीं आई, तो ताकत किस में है? भगोने में, दूध में, किस में ताकत है? ये जो ताकत है ना वो तो हमारी आत्मा की शक्ति है, लेकिन कर्मों के कारण दबी पड़ी है। मनुष्य पर्याय में अन्य के द्वारा इसका निर्धारण होता है, इसका थोड़ा सा क्षोभशम होता है, किसके कारण? अन्य के कारण, भोजन के कारण, ठीक है। अब यदि नहीं खाओगे तो मर जाओगे, एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, महीने में नहीं, 10 महीने में नहीं, कभी तो इस शरीर से प्राण निकलेंगे, निकल जाएंगे। तो इस शरीर में आत्मा को रहने का तरीका ये है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल दिया जाता है ऐसे इस गाड़ी में भोजन दिया जाता है। इसे आप पेट्रोल मान के करो, इसे स्वाद। भाई कोई भी गाड़ी, हर गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है या डीजल की जरूरत होती है, बिना उसके, या गैस की जरूरत होती। अब उसके अंदर जीभ नहीं लगी है, यदि जीभ लगी होती तो गाड़ी क्या कहती, अरे उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बहुत टेस्टी है, चल वहाँ चल के वहाँ डलवाना। अब उसमें आत्मा है नहीं है, जीभ है नहीं है, इसलिए जो डाल दो सो चल जाती है। अब इसमें तो जीभ लगी है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? साधुओं के विहार का, धर्म के प्रचार का, और कंट्रोल करने में आहार का बड़ा ही महत्व है, लगाने में आसन का, रसोई में बासन का, और करने में एकासन का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, पर्वत पर झरने का, भव से तरने का, और भोजन की चर्चा नहीं करने का बड़ा ही महत्व है, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में दतिया का बड़ा ही महत्व है, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है, और कहाँ से आए, आगरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का, पालमकोट, पालमपुर, अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में गुजरात पालमपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। के चरणों में बंदा में इच्छा में, माता जी मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन करने से ऐसा लगा वो भाग मेरा जाग गया, अपने आप ही भाव भगे मेरे कि मैं एक बार जैन साहब से मुनिश्वरानंद भगवान जी का अभिषेक करा दूँ, शांति धारण करा दूँ, मेरा मन पावन बन जाए। प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूँ, प्रभु सब आपकी कृपा से अच्छा हो रहा है, बस अब शांत परिणामों से समाधि पूर्ण मेरी समाधि हो, ये मेरी भावना है। मैं व्रती हूँ, हम दोनों के चार प्रतिमा हैं, माता जी से चाहे नहीं हमको आशीर्वाद भी दें,
कि हमारी समाधि शांत परिणामों से हो, सम्यक परिणाम से। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम इंदौर जियो हॉस्टल से हैं, हम वहाँ पर जज की तैयारी कर रहे हैं और जिस लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़े हैं उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर आए थे और बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम जहाजपुर आए। रोज हम टीवी पर तो देखते ही थे और माताजी के बारे में और यहाँ की चमत्कारी मूर्ति के बारे में बहुत सुना था। आज जाके हमारी ये चारों की मतलब पहली बार आए हैं, मनोकामना पूर्ण हुई है। हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से यहाँ आते रहे और प्रभु का और माताजी का आशीर्वाद पाते रहे। हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।